गाइस, मैं छाया वाशने मॉम की किचन से लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत बढ़िया स्नैक्स, क्रिस्पी वेजिटेबल्स। इसमें हमने क्या करा है, इसमें हमने वेजिटेबल्स को कॉर्नफ्लोर में मैरिनेट करके रख दिया था। इसमें हमने रेड चिली और गार्लिक और जिंजर पेस्ट डाला है, और इसमें आप देख सकते हैं हमने कॉलीफ्लावर लिया है, कैप्सिकम लिया है, पटेटो लिया है। आप चाहें तो और भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। हम इस वेजिटेबल को डीप फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं हमारी वेजिटेबल कितनी अच्छी क्रिस्पी फ्राई हो गई है। देखिए, आइए अब हम अपना एक लहसुन अदरक और हरी मिर्च का इस पे एक पेस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले पैन में हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल लेंगे और इसको हल्का ब्राउन फ्राई करेंगे। अब हमारे गार्लिक जिंजर पेस्ट ब्राउन हो गया है। अब इसमें कुछ और वेजिटेबल्स डालेंगे, लाइट कैप्सिकम एंड ऑनियन। इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। हमको इसे क्रंची रखना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि चाइनीज डिश में वेजिटेबल को ज़्यादा कुक नहीं किया जाता है। हमारी सब्जी फ्राई हो गई है। अब इसमें अपनी हम कुछ चाइनीज सॉसेस डालेंगे, जैसे टमाटो केचप, हॉट सॉस, थोड़ा सा विनेगर, थोड़ी सी सोया सॉस, और इसको हम इतना भूनेंगे कि थोड़ी सी कैरेमल हो जाए और इसका टेस्ट आया अच्छा। और इसमें हम थोड़ा सॉल्ट डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि सॉसेज में सब पहले से ही सॉल्ट होता है। इसमें हमने थोड़ा कॉर्नफ्लोर मिला हुआ पानी डाला था, जो हमारी वेजिटेबल मिली हुई थी उसी कटोरे को हमने कॉर्नफ्लोर घोल लिया था। क्रिस्पी वेजिटेबल डाल देंगे, तैयार है। आइए हम इसको प्लेटिंग करते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा कलर के लिए और टेस्ट के लिए ग्रीन ग्रीन कोरिएंडर डाल देंगे, ताकि इसकी प्रेजेंटेशन और खूबसूरत हो जाए। देख सकते हैं हमारी क्रिस्पी वेजिटेबल कितनी खूबसूरत और क्रिस्पी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।